खबर हापुड़ से है, जहां गढ़मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में प्राचीन नक्का कुआं है जिसके रहस्य जानने तहसील गढ़मुक्तेश्वर के अंतर्गत हमारी केकेडी न्यूज चैनल की टीम वहां पहुंची और मंदिर के महंत जी से काफी बातचीत भी की गई। साथ ही मंदिर के बारे में बातचीत के दौरान बताया कि ये मंदिर काफी प्राचीन काल का बताया गया, साथ ही उसकी काफी विशेषताएं भी बताई गई। वहीं मौजूदा समय में यहाँ पर शिवरात्रि में भारी संख्या में कांवड़िए जलाभिषेक भी करते हैं। नमस्कार, इस समय हम उत्तर प्रदेश के हापुड़ में उपस्थित हैं, जहां पर गढ़ कोतवाली के अंदर लगने वाला एक प्राचीन मंदिर पर, जहां पर हम जो मंदिर के महंत जी पुजारी जी हैं, इनसे इस मंदिर के विषय में कुछ जानकारी लेंगे। आखिर ये मंदिर कब बना था और आखिर इसकी क्या क्या वास्तविकताएं हैं, यहां पर ऐसा क्या था जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु तीज त्यौहार को आते हैं और इस समय सभी जानते हैं कि कांवड़ यात्रा चल रही है जिसको लेकर काफ़ी यहाँ का नाम सुना गया है। महाराज जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है महंत बरागिरी जी महाराज। तो ये जो मंदिर है इसका पूरा नाम क्या है? मंदिर का नाम है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर नक्का कुआं। तो महाराज जी, कितना प्राचीन मंदिर है ये? सतयुग का मंदिर है, सतयुग का मंदिर है ये, और सतयुग में इस नगरी का नाम शिव बल्लभपुर होता था, भगवान शिव की नगरी है। त्रेता में इसका नाम खांडवी बन रहा, द्वापर में इसका नाम गढ़मुक्तेश्वर रहा। जब गणों को मुक्ति हो गई तभी इस शहर का नाम गढ़मुक्तेश्वर, और आज कलयुग में आश्रम के लिए नक्का कुआं कहते हैं। चारों युगों में इस आश्रम का नाम बदलता आया है। तो महाराज जी, इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं माननी चाहिए जो इतना आप बता रहे हो प्राचीन मामला है? विशेषता ये है, देश विदेशों के लोग भी आते हैं दर्शनी, बार बार से सब जगह से आते हैं, दूर दूर से। और माननीय है, प्राचीन नगरी है, भगवान शिव की नगरी है, दूर दूर से आते हैं सब यात्री यहाँ दर्शन करने। तो जैसे अब आपकी कांवर यात्रा चल रही है तो यहाँ पर कितने शिव भक्त जल चढ़ाते होंगे, आपको अंदाजा है किसका? हाँ, हजारों की संख्या में सुबह से शाम तक आ जाते हैं, कई हजार। तो जैसे यहाँ पर शिव यात्रा चल रही है तो यहाँ पर प्रशासन कितना सहयोग करता है मंदिर के लिए और कानून व्यवस्था के प्रति? प्रशासन की सही सेवा रहती है, नगर पालिका की, पुलिस प्रशासन की, अब सभी कर्मचारियों की बढ़िया सेवा रहती है। तो यहाँ का जो मंदिर का मैन पुजारा, क्या जो कहते हैं कि चढ़ावा होता है मंदिरों का, तो क्या माना जाए, प्रसाद या कुछ और चीज़ के अंदर? हाँ, सभी चीज़ आती है प्रसाद में, फल फूल प्रसाद पैसे सब आते हैं। महाराज जी, जैसे यहाँ देखा जा रहा है पहले यहाँ पर बहुत कुछ तो काफ़ी बदल चुका है, तो ये जो यहाँ पर ये बताया गया कुआ भी बताया गया, यहाँ पर कुएं की क्या विशेषता है? हाँ, कुआ है, इसमें राजा नहुष गिरगिट की उन्हीं में रहे थे, और उसका नाम शुभ नाम उसका नहुष कूप है, पर नहुष कूप ना कह करके आज नक्का कुआ कहते हैं उसे सब। आपने देखा कि महाराज जी ने इस मंदिर के विषय में काफ़ी हमें जानकारी दी और इसके विषय में हमें बताया कि ये मंदिर कितना प्राचीन है और यहाँ पर कितने कितने राजाओं के यहाँ पर वो रहे हैं और यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो विदेश से भी यहाँ पर सैलानी आते हैं। आइए जानते हैं, एक हमें बहन जी मिली हैं मंदिर पर, इनसे कि जो मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार है उसके प्रति इनके मन में क्या है और जो कानून व्यवस्था के प्रति जो पहली सरकारें थी ये थी, कितना फर्क बताया जाता है और जो महंगाई बताई जा रही है बार बार, उनके प्रति क्या इनकी सोच है? आपका नाम क्या बहन? मेरा नाम संध्या है। तो आप कहाँ के हैं? हम गढ़मुक्तेश्वर के रहने वाले। तो बहन जी, ये जब बताया जाता है कि मौजूदा सरकार योगी जी का राज है, इसके अंदर आपको कितना अच्छा लग रहा है पहली सरकारों का मुकाबला? बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार अच्छी है और हर चीज़ की सुविधा है, कहीं भी हम जा सकते हैं, बच्चे जा सकते हैं, कोई भी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले कहते थे कि भाई हमारी बहन बेटे खतरा रहता है, इस समय कोई ऐसा? अब कुछ नहीं है, गुंडों का गुंडा राज खत्म है। और जैसे माना जाए कि भाई केंद्र के अंदर मोदी जी हैं और 24 आ रहा है, तो उसके अंदर आपको किसकी सरकार की उम्मीद लगती है? मोदी जी की आई। तो इस समय जो महंगाई आप अच्छा लग रहा है बता रहे हैं कि चारों तरफ महंगाई हो रहा है, तो क्या महंगाई हकीकत में है? ये महंगाई तो है लेकिन जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, कमाई भी तो अच्छी है। तो आपने देखा बहन जी ने चार शब्दों के अंदर सारी बात को कह दिया है कि सरकार काफ़ी देखी है, जो योगी सरकार है इन्हें काफ़ी अच्छी लग रही है,
कानून व्यवस्था के प्रति माताएं बहनें आजकल खुलेआम अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं पहले के मुकाबले। नमस्कार, इस समय हम की कुछ ही स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग कर्मचारी 10 सूत्री मांगों को लेकर अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। वहीं मीडिया से चर्चा में नर्सिंग कर्मचारियों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर निरंतर शासन प्रशासन से अनुरोध करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया, इसलिए मजबूरी में अपनी मांगों के संबंध में हड़ताल पर बैठना पड़ा। साथ ही उन्होंने बताया कि जब तक उनकी जायज मांगों को मानकर लिखित आदेश नहीं दिया जाता तब तक हड़ताल इसी प्रकार जारी रहेगी। वहीं नर्सिंग कर्मचारियों ने अस्पतालों में आने वाले मरीजों से माफी मांगते हुए समर्थन करने की बात कही। आज जो नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा हड़ताल की जा रही है, किस संबंध में की जा रही है और कब तक चलेगी? ये हमारी 10 सूत्री मांगों को लेकर की जा रही है, जो कि 3 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है और ये आज से अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम कंटिन्यू हड़ताल करते रहेंगे। कौन कौन सी मांगे हैं? हमारी सबसे प्रथम मांग है कि हमें ओल्ड पेंशन योजना जो थी वो दी जाए, सेकेंड ग्रेड हमें किया जाए और उसके बाद में जो 70-80% न्यू स्टाफ को दिया जाता है तो वो खत्म करके 100% रेट कम स्टार्ट किया जाए और जो काटा गया वेतन है वो हमें पुनः रिटर्न किया जाए ताकि हम अपनी सेवाएं अच्छे से दे सके। हमें नाइट का भत्ता नहीं दिया जाता है, नाइट ड्यूटीज का जो कि अदर्स डॉक्टर्स वगैरह को दिया जाता है, तो हमारी यही आपसे विनती है कि हमें भी दिया जाए। और पदोन्नति जो अभी तक रुकी हुई है तो कृपया करके वो भी प्रारंभ की जाए। काफी समय से पदोन्नति नहीं दी जा रही है और कुछ एरियाज में कुछ मांगों को पूरा किया गया है लेकिन हमारे यहाँ नहीं, तो हम यही पूछना चाहेंगे कि इस प्रकार से पक्षपात क्यों किया जा रहा है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता, क्या हम इंसान नहीं है, क्या हमें हमारी मांगों को लेने का हक नहीं है? यही मांगे अदर स्टेट में पूरी की गई है लेकिन हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बस उसी के फेवर में हमने पहले कई बार अपनी बातें रखी गई थी लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया, लेकिन अब हम आश्वासन से चुप बैठने वाले नहीं है। हम हमारे हक में लिखित में आदेश चाहते हैं और हमारी मांगे पूरी हो। कब तक जारी रहेगी आपके? अगर आज पूरी कर दें शासन तो हम आज ही अपने काम पर लौटना चाहते हैं, क्योंकि हम एक मानवता पूर्वक ईमानदारी पूर्वक निष्ठा पूर्वक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। हम अपने कामों से पीछे हटने वाले नहीं है, ये हमें मजबूर कर दिया शासन ने जिस वजह से हमें आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरना पड़ा। आम जनता से मैं माफी मांगती हूँ कि हमारी वजह से जो तकलीफें आज आपको सहना पड़ रही है उसे प्लीज 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 आप हमें माफ करिए, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं और आप हमारा समर्थन कीजिए। आज जो स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा हड़ताल की जा रही है, क्या है? ये जो है परमानेंट नर्सिंग स्टाफ है जो हड़ताल कर रहा है, इनकी 10 सूत्रीय मांगे हैं जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम और वेतनमान बढ़ाने की बात कही गई है और 70-80 और ऐसे 90% करके हर साल जो वेतन बढ़ा के या दिया जाता है तो उसके ऊपर इनकी मांगे हैं कि इन्हें पूरा वेतन दिया जाए। और नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल से इमरजेंसी में हमें ना बाहर से जो हमारा पेरीफेरी में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर काम कर रहा है या NM काम कर रहा है उनकी ड्यूटी हमारे अस्पताल में लगाई जा रही है, जिससे जो पेरीफेरी के नेशनल प्रोग्राम्स हैं या उनके जो कार्य प्रगति है वो बाधित हो रहा है, तो ठीक है हमने व्यवस्था की है। आज जो नर्सिंग स्टाफ खबर फरुखाबाद से है जहाँ बिजली विभाग की एक लापरवाही देखने को मिली, जहां बारिश के मौसम में गांव में पेड़ों के नीचे बिजली के तार झूल रहे थे जिसके चलते खंभे में करंट दौड़ने से 3 लोग बिजली की चपेट में आ गए। वहीं 3 घायलों को ग्रामीण CSC लेकर पहुंचे और जहां पर डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया जबकि 2 का इलाज जारी है। वहीं युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताते करंट से युवक की मौत पर सूचना के बाद भी कोई बिजली विभाग का अधिकारी और कर्मचारी नहीं पहुंचा। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मद्दूपुर गाँव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या नाम आपका? कहाँ के रहने वाले? तो कैसे करंट लगा आप? अगर से पहले हुए आ रहे थे, ये लड़का का ना कोई भड़क रहा था तो हमने ये नहीं समझा बिजली नीचे उतर आई इसमें, हमने इसको पकड़ने को हटाने पड़ा, तुरंत हमको फेंक दिया। अच्छा, ये कौन सी लाइन थी? 11,000 की 11,000 तो 11,000 लाइन का पोल से करंट उतारा? हाँ, लोहे का
अच्छा पोल पे, पोल पे जो 11,000 का तार बंधा वो बंधा काहे से? रस्सी से बंधा हुआ जो लाइन मैन बांधा होगा और किसने बांधा है? बहुत लापरवाही हो रही है। अच्छा आपके यहाँ जो 11,000 की लाइन के तार भी झूला झूल रहे हैं? नीचे देखिए था, यहाँ मौके देखिए, इसकी वीडियो बना लीजिए, जो सामने ही पे बिल्कुल जमीन पे लगे हुए तार है, लेकिन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। और कुछ नहीं, हमारे नाम खुशी राम बाबा के रहने वाले, हम टिपुल जी का फरका बच्चों रहने वाले। और यहाँ यहाँ किसके आए हो? यहाँ आए जाइए रिश्तेदार हमारे जो खत्म हो गए उनके यहाँ। अच्छा तो यहाँ आपने क्या देखा, 11,000 की लाइन के तार किस तरीके से लटक रहे हैं? बिल्कुल धरती में रखे हुए हैं तार, यह इसमें हर हड्डी कोई भी निकला तो उसकी भी मौत हो सकती सर। अच्छा ये जो चिपका है आपका कौन है? ये हमारे रिश्तेदार हैं, खत्म हो गए हैं। हाँ हमारे परिवार, हमारी रिश्ते, हमारी बिटिया के परिवारी हैं रिश्तेदार। मतलब यहाँ पर बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं लापरवाही सोचो सर, बिल्कुल ही लापरवाही है। अब सर आप देखिए इतना बड़ा हादसा होने पर न विधायक है, न संसद है, न डीएम है, न एसडीएम, न एसपी, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा। अरे कम से कम सूचना तो कर दो भैया, न जय साहब दिखाई पड़ते हैं जो इसके मालिक हैं बिजली डिपार्टमेंट के। भाई जे डीओ सबसे बड़े अधिकारी, रस्सी बंधी हुई थी बीगी, उसे तो बत्ती उतर रही। अच्छा ये जो रस्सी बांधी गई किसके द्वारा बांधी गई? डिपार्टमेंट में जिन्होंने बांधी है, रस्सी बांध कर 11,000 का तार रोका गया है। वो तो बहुत समझे दो लोग, तो कोई लाइनमैन चढ़ाओगे इसको? बिल्कुल चढ़ाओगा, लाइनमैन तो वो प्राइवेट करे हुए हैं, अपना घर पे बैठते हैं। संविदा अपने प्राइवेट में 6-7 हजार करे हुए, अपनी तनख्वाह से उन्हें पैसे देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आते ही ना। बिल्कुल क्या नाम आपका? कहाँ के रहने वाले? खबर बांदा से। आजाद जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने जिला अस्पताल में डायरिया की बीमारी के भर्ती मरीजों का निरीक्षण किया। वही निरीक्षण के दौरान उन्होंने डायरिया के भर्ती मरीजों से उनके उपचार के संबंध में वार्ता कर दिए जा रहे चिकित्सा उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वही जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित चिकित्सकों को निर्देश दिए कि डायरिया से पीड़ित मरीज के अस्पताल में आते ही तत्काल उसे समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी SCMS सहित अन्य चिकित्सक भी उपस्थित रहे।